हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फिजिक्स में क्लास टेंथ में न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी, उसमें पार्ट दो में चैप्टर टू में न्यूमेरिकल जो हम पढ़ा रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर आपके हो गए थे 11 तक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं, तो उसमें 12 और 13 जो क्वेश्चन है वो प्रिज्म से संबंधित है कि अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है उससे संबंधित दो प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, बुक में सभी लोग देखेंगे, लिखा है एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, ठीक, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिज्म के कोण को किससे लिखा जाता है, ठीक। तो हमने ये एक सूत्र लिखवाया होगा, एन इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में साइन ए बाई टू, ठीक। तो देखिए लिखेंगे, यदि प्रिज्म का कोण ए, फिर से हम सूत्र लिख रहे हैं पूरा, लिखेंगे यदि प्रिज्म का कोण ए कैपिटल ए है, ठीक है, ए तथा है ना, लिखो तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कितना, अल्पतम विचलन कोण को लिखा जाता है डेल्टा एम, ये डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा एम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक देखिए, हमने इससे पहले भी लिखाया था, अपवर्तनांक को स्मॉल एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल एम एन से। तो इसका जो सूत्र होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ये पूरे के एक एंगल होगा, ठीक है, अपॉन में साइन ए बाई टू, ठीक है, साइन के साथ में एक एक कोण ये जुड़ा है। अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में ये दिया गया है कि प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के कोण को किससे लिख रहे हैं, ए से, तो इसलिए जो ए होगा वो कितना दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। और लिखा गया है अल्पतम विचलन कोण, देखिए अल्पतम विचलन कोण को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम बराबर 38 डिग्री, ठीक है, डेल्टा एम बराबर कितना दिया गया 38 डिग्री। निकालना क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक, तो एन बराबर निकालना है, सूत्र आपके सामने रखा गया है, ठीक, तो मान रखना है, मान रखिए लिखेंगे एन बराबर साइन, यहाँ पर ए का मान 60 प्लस 38 अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है, इसके बटे में होगा साइन 60 बटे 2, ठीक है, इतना हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से काट देंगे ये तो 30 बचेगा, लेकिन इसको पहले जोड़ेंगे और फिर जो है क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग करेंगे, कोण में है ये साइन के साथ में, ठीक। देखिए तो n बराबर साइन ये कितना होगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6 3 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 98 बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा साइन 30, समझ गए, इतना समझ में आया। अब इसको 2 से काट दो, ठीक, तो 2 से जब काटेंगे तो साइन 49 अपॉन में साइन 30, ठीक। अब ये सोचेंगे 49 की वैल्यू तो दी नहीं है इसमें, लेकिन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमको मालूम होती है, मालूम होती है कि नहीं, 1/2 होती है। तो n बराबर देखिए किताब में दिया गया है, किताब में लिखा गया है, यहाँ पर सभी लोग देखेंगे, देखिए साइन जो है 49 की वैल्यू 0.75 लिखी गई है, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.75 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक, 2 ऊपर चला जाएगा, जब 2 ऊपर जाएगा तब इससे गुणा हो जाएगी, गुणा कराने पर क्या होगा 5 × 2 = 10 और 7 × 14 = 15, दो अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दिया, तो n बराबर कितना उत्तर आ गया 1.5, ठीक है,
1.5, यही आपका क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, किसके, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम बुक से पढ़ रहे हैं। लिखा है 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए जो 60 डिग्री दिया गया है वो प्रिज्म का कोण दिया गया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या गया है, ए बराबर यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, दूसरी चीज इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, क्या कि अपवर्तनांक दे दिया गया, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन से, तो एन बराबर लिख दिया गया √2। निकालना क्या है इसमें, डेल्टा एम निकालना है। ठीक है, तो इतनी चीज लगानी है। ठीक, सूत्र यही लगेगा जो आपके सामने लिखा गया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र यही इसमें लगेगा। ठीक, तो लगाने का तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वैल्यू रखी गई है इस वाले फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो एन की जगह क्या रखेंगे, √2, तो एन की जगह हमने लिख दिया कितना, √2। ठीक, ये वाला सूत्र लिखेंगे, इसी वाले सूत्र से लगा रहे हैं। ठीक बराबर साइन, देखिए ए का मान दिया गया, ए का मान कितना दिया गया, 60, लेकिन डेल्टा एम का मान नहीं दिया गया, तो डेल्टा एम अपान में 2 हो जाएगा, अपान में साइन ए का मान दिया गया, यहाँ पर भी 60/2, 2 से काट देंगे 30, ये नहीं कटेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके साथ डेल्टा एम जुड़ा है प्लस में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो बचेगा वो लिख लेते हैं, √2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान में 2, अपान में क्या आएगा, साइन 30, समझ गए, तो साइन 30 आ गया। यहाँ पर मान रखेंगे किसका, साइन 30 का, साइन 30 का हमने अभी मान बताया था किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए तो √2 बराबर, अच्छा लिखे दे रहे हैं, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, अपॉन में आएगा 1/2। ठीक, अपॉन में क्या आएगा, 1/2, पहले इधर इतना लिखेंगे फिर इधर से है। ठीक, तो 2 क्या होगा, 2 इसके ऊपर चला जाएगा, 2 इसके ऊपर चला जाएगा, और जब 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ जब गुणम होगा तो इसके हम भाग में ले सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/2 बराबर साइन, ये चलता रहेगा 60 प्लस डेल्टा एम अपान में 2, समझ गए इतना। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, क्या लिखेंगे, √2 × √2, और 1 √2 ये है और 2 ये है। ठीक है, मैथ में बताया गया होगा, मैथ में आप लोगों को बताया गया होगा, तो √2 से 2 जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2, क्या बचेगा, √2, तो यहाँ पर जो बचा उसको लिख लेते हैं 1/√2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान में 2, समझ गए इतना। आप देखिए लगाने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल मैथ यहाँ चलेगी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले ये जानेंगे कि साइन में जो होती है 1/2, ठीक, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन 45 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान में 2। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ये साइन और साइन जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब निष्पत्तियाँ दोनों तरफ बराबर होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये निष्पत्तियाँ यहाँ से हट जाएंगी, जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिख लेते हैं, क्या बचा, 45 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2। ठीक, इतना बचा। अब देखिए हम इसको हल करेंगे, हल करने पर जो आएगा वही इसका जो डेल्टा एम का मान निकलेगा हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे, इसको नोट कर लीजिएगा, इधर हम कर रहे हैं, देखिए
देखिए यहाँ पर आया 45 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2। पहले क्या करेंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई गुणा, तो 45 गुना 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। अब जब डेल्टा एम का मान निकालेंगे तो 90 माइनस 60 तो डेल्टा एम बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझे सभी लोग? तो क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपके पार्ट 2 जो चैप्टर था मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, उसमें आपके 13 न्यूमेरिकल हो गए जो दिए थे और पूरी इसकी व्याख्या हो गई। ठीक, किसकी, थ्योरी की। तो पूरा जो है शुरुआत से देखेंगे, जिसने अभी तक नहीं लिखा है कॉपी पर लिखिएगा, पूरा इसको चैप्टर पूरा करिए और उसको चेक कराइए। ठीक, बाकी के वीडियोज़ नेक्स्ट लेक्चर में।